हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट से। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या, क्योंकि तस्वीर तो आई अखिलेश यादव के साथ वाली, लेकिन अब तक उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं की है, इस बारे में किसी तरह की कोई सूचना मिली नहीं है। पंकज श्रीवास्तव जी, आप पहले अपनी बात रखिए और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। ये नेता इस वक्त मानिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप जो सूत्र हमें बता रहे हैं और जो पॉलिटिकल पंडित्स का आकलन है कि आप मेरे परिवार को टिकट नहीं देंगे तो मैं चलता बनूंगा और उस जगह का दामन थामूंगा जहां मेरे परिवार का सुना जाएगा, कही जाएगी, उसे आगे किया जाएगा। रूबिका जी, आप जो बात कह रही हैं वो एक हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की एक सच्चाई है। क्या ये सच नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी शर्त के साथ 5 साल पहले भाजपा में गए थे, वो खुद मंत्री बने, उनकी बेटी एमपी बनी, और ये हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था का ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस समय बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका कभी नाम कांग्रेस से हुआ करता, वो कांग्रेस के नेता थे। तो इस तरह से लोग आते जाते रहते हैं, चुनाव के पहले जब जा रहे हैं तो इसका एक मतलब जरूर है, और वो ये है कि उन्हें ये एहसास हो गया है, जैसे पिछली बार उन्हें एहसास हो गया था कि समाजवादी पार्टी हारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और उन्होंने एक अपना रास्ता चुना जो अगर अब मौजूदा स्थिति को देखें तो उन्हें वो फायदेमंद लगा। आज वही काम वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी अचरज की बात नहीं है। वो ये काम कर रहे हैं, ये नजूमी बन के कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, उनको शायद कांग्रेस का किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। उनको शायद, देखिए ये आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की जो ये प्रकरण है उस पर जवाब मांगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम ये जानते हैं। पिछली बार जो उन्होंने सोचा वो सच साबित हो गया, तो इस बार जो सोच रहे हैं हो सकता है कई बार सच साबित होता है, कई बार नहीं होता। देखिए ये कोई जो राजनीति है वो संभावनाओं का एक दर्शन है, इसको आप कोई नजूमी और ज्योतिष से नहीं देख सकते, लेकिन एक चीज तय है कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी जिस तरीके से परेशान है हर मोर्चे पर, अभी कोरोना की लहर से फिर हम सब बैठे हुए हैं, लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, और अभी नीति आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में फिसक दी है, देश का सबसे खराब स्टेट है, जहां लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के बिना मरे हैं। ये मत भूलें कि उसी नीति आयोग की तरफ से उन्होंने ये भी किया था कि जिस तरीके से बेहतरी हुई है इसी स्वास्थ्य सेवाओं में, उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आप आधी सच्चाई मत बताइए ना। नहीं, आधी सच्चाई नहीं, नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई आदमी अगर सो रहा हो और अचानक उसने अगर एक तरफ अपनी करवट बदल ली तो वो सबसे रफ्तार में तेज होगा, जाहिर है अनुपात की दृष्टि से, और जो आदमी सैकड़ों किलोमीटर दौड़ा चला जा रहा है उसकी रफ्तार अगर आगे बढ़ेगी तो अनुपात में बहुत कम होगा, अनुपात का खेल एकदम डिफरेंट है। ये तो कोई खुश होने की बात ही नहीं है, सच्चाई यह है कि यहाँ चाहे डॉक्टर, इसमें खुश और नाखुश की बात नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ जब आप कोई फैक्ट रख रहे हैं जनता के सामने तो उस फैक्ट को पूरी तरीके से रखिए। हाँ, फिसड्डी है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो बेहतरी हुई है, सर मैं नीति आयोग की तरफ से कह रही हूँ, मैं किसी और की तरफ से नहीं कह रही हूँ। मैं रूबिका जी वही बता रहा हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है कि जैसे कोई आदमी पेड़, अच्छा नीति आयोग अगर कहे कि हेल्थ में फिसड्डी है तो उसका मतलब है, लेकिन नीति आयोग ये कहे कि हेल्थ में फिसड्डी, ये जो यूपी है वो 5 सालों में इतना ऊपर आ गया है, तो आप बात नहीं मानेंगे। मैं आपके दोहरे रवैये पर इरिटेटेड हूँ सर, मैं और किसी बात पर इरिटेटेड नहीं हूँ। श्रीवास्तव जी, आप पूरी बात समझने की कोशिश तो करिए, आप बोलने ही नहीं देती है ना, हर बात की अगर आप टिप्पणी करेंगे, मैंने आपको बताया अनुपात क्या होगा, बोलने के बाद आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं कहा, सर ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप साइंस की बात करेंगी जो वहां से निकल के आता है, तो वर्क इज टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स लगा रहे, कह रहे हैं इधर दौड़ रहे हैं, इस जाली से उस जाली दौड़ रहे हैं, उस जाली से ऊपर गए, सही बात है, लेकिन हकीकत क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर 3,500 डॉक्टरों लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि हमारी WHO की पूरी जो रिपोर्ट है, पंकज जी मैं आपके इन आंकड़ों पर जरा भी तूतू मैं नहीं करूंगी, जो आप आंकड़े दे रहे हैं सर वो सही है, उत्तर प्रदेश की जनता इतने कम डॉक्टरों में काम नहीं कर सकती है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं काम कर सकती, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इसमें, लेकिन मैं कह रही हूँ आधा अधूरा सत्य मत बताइए कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ पंकज जी, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप लड़ेंगे तो मैं आपका साथ दूंगी, पुरजोर तरीके से साथ दूंगी, और इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जनता को बेहतरी के रास्ते पर ले जाना होगा, सिर्फ राजनीति नहीं।
और पंकज जी हम दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। श्रीवास्तव जी अब रुक जाइए एक सेकंड। विजय विद्रोही एक बार मैं उनका रुक कर लूं। मेरे सहयोगी पिछले 33 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, एक ओपनिंग रिमार्क मुझे ले लेना चाहिए उनसे। विजय जी ये जो इस वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इसे बड़े कैनवास में देखने की जरूरत है। जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी में उसमें ज्यादातर या करीब करीब सब या तो ओबीसी हैं या फिर दलित हैं। फिर ओबीसी और दलित क्यों जा रहे हैं? इस हिसाब से देखिए कि अखिलेश यादव का अपना बेस वोट हो गया, मुसलमान वोट हो गया, सहयोगी पार्टियों का वोट हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो 33-34% से ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो उनको जरूरत है दलितों की और पिछड़े वोट पर सेंध लगाने की। अब कुर्मी कोरी हुए, गैर जाटव जो दलित हुए और गैर यादव ओबीसी हुए, इनमें बीजेपी की पकड़ ठीक ठाक है, इसलिए वो महादलित और महापिछड़ों तक पहुंचना चाहते हैं यहाँ के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर कर। आंकड़े देखिए कि कुर्मी 57% पिछली बार बीजेपी को मिला, समाजवादी पार्टी को 18% मिला, अन्य ओबीसी 61% बीजेपी को मिलता है, 12% मिलता है समाजवादी पार्टी को। इसी तरह जो अन्य दलित है वो 31% बीजेपी को, 10% समाजवादी पार्टी को और 43% बसपा को, और बसपा को 86% जाटव मिलता है। तो ये लोग तो टूट नहीं सकते। तो सब इनकी नज़र है अखिलेश की कि महादलितों और महापिछड़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए, लामबद्ध करने के लिए इनके जुड़े हुए जो दलित और ओबीसी नेता हैं उनको तोड़ा जाए, उनको पार्टी में लाया जाए ताकि अपने वोट बैंक का विस्तार किया जा सके। थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा बढ़ा दे, आप ये कह रहे हैं 30 से 35, 35 से थोड़ा ऊपर चला जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।